उज्जैन से करीब 35 किलोमीटर दूर किराड़िया गांव में रहने वाले ग्रामीण पानी की समस्या को लेकर बेहद परेशान है। इन ग्रामीणों को अपने घरों में पानी लाने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। अपने पैसे खर्च कर अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। ग्राम पंचायत और राज्य सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कोई नल जल योजना के तहत न तो पाइपलाइन डाली गई है और न पानी की सप्लाई, पानी की टंकी में कोई व्यवस्था इस तरह गाँव में की गई है। अपनी पाइपलाइन और मोटर लगाकर ग्रामीण दूर दूर से पीने का पानी ला रहे हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। किराड़िया हाँ। कौन सी विधान तहसील में आता है ये? नागदा तहसील। नागदा तहसील में आता है हाँ। ये आप लोग कुएं के अंदर से पानी, आप खुद मोटर लगा रहे हैं, आप खुद लाइन बिछा रहे हैं, आप लोग खुद पानी ला रहे हैं हाँ। जबकि यहाँ तो ग्राम पंचायत को व्यवस्था करना चाहिए ताकि घरों तक पानी पहुँच सकता है और आराम से पानी भर सकते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। हाथ से पानी खींचे नहीं तो घर की मोटर डाला। हाथ से पानी खींचो हाँ, फिर बाद में हाथ से पानी खींचते बंद हो गया ना, मोटर डाली। अच्छा, तो पंचायत वगैरह ने कोई व्यवस्था नहीं की? कोई व्यवस्था नहीं है। आप क्या के विधायक जी कौन है? यहाँ के विधायक है बहादुर सिंह जी, मेतपुर वाले ने। इधर है तो नाग तहसील नागदा लगे ने, वोट हमने मेतपुर वाले विधायक को डाला। अच्छा हाँ, तो कोई व्यवस्था नहीं की अभी तक? हाँ, ये व्यवस्था है जो आप देख लो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।